सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। सेना के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। करीब एक महीने से 350 भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों का सामना कर रहे हैं। चीन का मीडिया भी लगातार भारत को धमकियां दे रहा है। हालांकि भारत और चीन के बीच तनाव का यह पहला मामला नहीं है। दोनों देशों के बीच ऐसे और भी कई मामले हैं जिनके चलते भारत चीन एक दूसरे को आंख दिखाते रहे हैं। सीमाओं के साथ चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी में भी विवाद के बीज बोए हैं। यूं तो यह नदी चीन और भारत दोनों में बहती है, लेकिन चीन इस पर अपना अधिकार जताता रहा है। वह ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांध बना चुका है और बना भी रहा है, और उसका पानी वे नहरों के जरिए उत्तरी चीन के इलाकों में ले जाना चाहता है। ब्रह्मपुत्र के पानी को रोककर उसका उपयोग करने के इस लाल इरादे को भारत अक्सर द्विपक्षीय बातचीत में उठाता रहा है और चीन द्वारा निर्माण किए जा रहे बांधों का विरोध करता रहा है। भारत में पर्यावरण विशेषज्ञों का एक तबका ऐसा भी है जो उत्तराखंड में पिछले साल आई बाढ़ के लिए चीन को जिम्मेदार मानता है। उनका मानना है कि चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण ने प्रकृति के मानक नियमों का उल्लंघन किया है, जिसका भुगतान भारत को उत्तराखंड में हजारों जानें देकर चुकाना पड़ा। चीन दुनिया में अपनी सैन्य शक्ति का तेजी से विस्तार करने में लगा है। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम किनारे पर बसे जिबूती में चीन के सैन्य ठिकाने को भारत को घेरने की स्टिंग ऑफ पर्ल्स नाम की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके तहत चीन बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका सहित अन्य देशों में सैन्य ठिकाने और संपत्तियां विकसित कर भारत को घेरना चाहता है। चीन द्वारा अन्य देशों में ऐसे सैन्य अड्डे विकसित करने की संभावना जताई जा रही है। पिछले महीने अमेरिकी रक्षा विभाग ने संसद में पेश अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा था कि चीन भविष्य में पाकिस्तान जैसे उन तमाम मुल्कों में सैन्य ठिकाने बना सकता है जिनके साथ उसकी दोस्ती है। भारत व चीन के बीच तिब्बत एक बफर जोन की तरह है। भारत तिब्बत को मान्यता दे चुका है, लेकिन तिब्बती शरणार्थियों के बहाने चीन इस मसले पर अक्सर विवाद पैदा करता है। वह तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा को भी मान्यता नहीं देता। साल 1949 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और इस हमले के एक वर्ष बाद यानी वर्ष 1950 में तिब्बत के लोगों ने दलाई लामा से तिब्बत की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए अनुरोध किया गया था। वर्ष 1959 में चीन की सेना ने ल्हासा में तिब्बत पर जोरदार हमला बोल दिया था। तब से ही दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित जिंदगी बिता रहे हैं। धर्मशाला आज तिब्बती की राजनीति का सक्रिय केंद्र बन गया है। 14वें दलाई लामा के रूप में वे 29 मई 2011 तक तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष रहे थे। इस दिन उन्होंने अपनी सारी शक्तियां तिब्बत की सरकार को दे दी थी और अब वे सिर्फ तिब्बती धर्मगुरु हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ ही हमारा सीमा विवाद है। चीन के साथ हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन इसे सीमा नहीं जाता। वहीं कश्मीर में पाकिस्तान के साथ हम लाइन ऑफ कंट्रोल शेयर करते हैं। प्रासंगिक चीन के साथ हमारा विवाद है तो इसी पर बात करते हैं। चीन के साथ भारत के सीमा विवाद की शुरुआत 1834 में ही पड़ गई थी, लेकिन इसे सुलझाने के लिए 1981 से कोशिशें जारी हैं। दरअसल भारत का आरोप है कि चीन ने जम्मू कश्मीर की 41,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। इसमें 5,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का लद्दाखी क्षेत्र है। चीन सीमा का निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग को जोड़ने वाले कॉरिडोर की योजना है। यह कॉरिडोर ग्वादर से शुरू होकर काशगर तक जाएगा। अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट के लिए गिलगित बाल्टिस्तान एंट्री गेट का काम करेगा। चीन यहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रेलवे लाइन और सड़कें बना रहा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका भारत विरोध करता रहा है। वहीं इस बारे में चीन का कहना है कि अगर चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग से संबंधित क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार होता है तो इससे भारत के लिए मध्य एशिया में व्यापार के रास्ते खुलेंगे।